संजीव जी, हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्वल सर्वर। हम आपको सिक्वल सर्वर की 2013 2014 में कराएंगे। तो सिक्वल सर्वर में खोलना होता है आपको एसक्यूएल। जैसे आपने सिस्टम में आपने सिक्वल सर्वर इंस्टॉल किया, आपने लोकल होस्ट जनरेट क्रिएट किया, मतलब कि आपने अपना डेटाबेस आपने अपने सिस्टम पे जनरेट किया, क्रिएट किया, तो आपको खोलना होता है एसक्यूएल सर्वर 2014 जो भी वर्जन है, मैनेजमेंट स्टूडियो, राइट। स्टूडियो खोलेंगे तो खुलने में थोड़ा सा टाइम लगा है क्योंकि ये सर्वर ओपन हो रहा है। और कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है आपके डेटाबेस की साइज, आपका कंप्यूटर के मेमोरी, कंप्यूटर का प्रोसेसर, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली थोड़ा सा टाइम 1 मिनट के आसपास का लगता ही लगता है, ठीक है। और मैं ये फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा हूं क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है, तो इंस्टॉलेशन तो आपको आता ही है क्योंकि आपने इंस्टॉल कर ही लिया था। हाँ जी, मैंने इंस्टॉलेशन कर लिया था कंप्यूटर पे। तो 2 मिनट रुकिए, अभी ये हो रहा है। हाँ, ये खुल गया। अब इसमें दो चीजें होती है, यहां पे सर्वर टाइप आप लोगों के पास भी ऐसा ही आता है ना जो क्लाइंट हाँ सिस्टम। जी। तो यहां पे दो तीन चार चीजें है, डेटाबेस इंजन एनालिसिस सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विस, इंडिकेटेड सर्विसेज। तो एसक्यूएल की जो है चार सर्विसेज होती है, डेटाबेस इंजन, एनालिसिस सर्विसेज, रिपोर्टिंग सर्विसेज एंड इंडिकेटेड सर्विसेज। तो एसक्यूएल सर्वर में हम आपको डेटाबेस इंजन ही पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, बाकी सर्विसेज जो है हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि इसके लिए परचेज करना पड़ता है और ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा हाई लेवल का है, इसलिए ये नहीं पढ़ाएंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे डेटाबेस इंजन। उसके बाद आता है सर्वर नेम। ऐसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सर्वर नेम आ जाता है, लेकिन आप लोग क्लाइंट सर्वर यूज करते हो तो आप लोगों का सर्वर का पाथ होता होगा, ये भी पाथ ही है, सुजीत बिना कंप्यूटर है और ये हमारा डेटाबेस का नेम है। सॉरी सर। तो जब हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले काम आता है हमारा डेटाबेस क्रिएट करने का, हाँ जी। क्योंकि बिल्कुल नया है तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। अब डेटाबेस क्या होता है, जैसे कि अगर मैं समझाऊं आपको डेटाबेस का आर्किटेक्चर समझाऊं, तो जैसे एक्सेल की फाइल होती है ना, फाइल हाँ इट जी। मींस डेटाबेस। फाइल हाँ। के अंदर शीट्स होते हैं, शीट्स टेबल, और टेबल के अंदर रो एंड कॉलम होते हैं, और सेल्स होता है, सेल्स मतलब डेटा, ठीक है। ये फील्ड के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो बिल्कुल। यहां पे मुझे डेटाबेस तैयार करना है। यहां डिफॉल्ट आप देखो कि डेटाबेस है, जैसे सिस्टम डेटाबेस, रिपोर्ट सर्वर टेम्पलेट, टाइम डेटाबेस, तो बने बनाए सिस्टम जनरेटेड है इसके। और सिस्टम जनरेटेड यहाँ पे टेबल्स भी है, एक्टिविटी बैच, कैच पॉलिसी, कैटलॉग, क्योंकि तो जब आप डिफाइन करोगे तो सिस्टम इसके अंदर अपनी डेटा को रखेगा, तो ये बना हुआ है। लेकिन मुझे खुद का डेटाबेस बनाना है, तो मैं डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ डेटाबेस लिखा हुआ है, इसके अंदर राइट क्लिक करूंगा और क्लिक करूंगा न्यू डेटाबेस पे। अब यहां पे अपना अब इसमें जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही डेटाबेस बनाओ, अब कई सारे डेटाबेस आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने बनाया यहां पे आईपीटी, ठीक है। और आईपीटी में यहां आता है ऑनर, किसका ऑनर कौन है। तो डिफॉल्ट मतलब जैसे डिफॉल्ट ले लेगा, अदरवाइज आप डिफाइन कर सकते हैं यहां से किसका यूजर कौन है, ऑनर कौन है। ऑनर डालने का दिक्कत क्या होता है, जैसे मैंने ऑनर डाल दिया सुजीत आईपीटी एक्सेस को, तो अब एक दूसरे किसी यूजर से लॉग इन नहीं होगा इधर, अच्छा ठीक है ना।
तो डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट होगा, तो आपने हिसाब से दे सकते हो आप। उसके बाद यहां पे साइज या ऑटो ग्रोथ बाय मिनिमम साइज 3 MB का है, लेकिन ऑटो ग्रोथ मतलब कि अपने अपने हिसाब से 1 MB से अनलिमिटेड आएगा, ठीक है, ये बना हुआ है। इसके अलावा इस ऑप्शन वगैरह में जाएंगे तो इस डेटाबेस की बहुत सारे रूल्स है, जैसे कि ऑटो श्रिंक, ऑटो अपडेट स्टैटिक्स, ऑटो अपडेट बाकी जो भी है ना आपके इसमें जो है इसके रूल्स है, तो डिफरेंट रूल्स है, इन रूल्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए कि अगर कुछ रूल सेट करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका फाइल ग्रुप है, ये प्राइमरी फाइल में आता है इसलिए प्राइमरी हुआ, और भी कोई ग्रुप जो है आप यहां से ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जनरल पे आते हैं, डेटाबेस सिलेक्ट हो गया एंड इसको ओके कर देते हैं। कोई और डेटाबेस ऐड करना हो तो ऐड करके आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहां देखिए डेटाबेस हमारा एक IPT नाम का कनेक्ट हो गया। तो डेटाबेस में क्या होता है, कोई भी डेटाबेस में दो चीजें होती है, पहला आता है टेबल जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, और दूसरा क्या होता है क्यूरी जिसके जरिए डेटा को हम निकाल कंडीशनल सकते। करते हैं। तो डेटा हमेशा टेबल पे ही स्टोर होता है। इसमें देखिए बहुत सारे डेटा डायग्राम आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ टेबल है, व्यू है, सिस्टम व्यू, और ये देखिए बहुत सारे व्यू है, ठीक यहाँ से सिलेक्ट टॉप 100 कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ किस पे, टेबल पे। तो टेबल में एक सिस्टम का टेबल पहले से जनरेट है ताकि ओबीसी इंफॉर्मेशन को रख सके। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने कॉलम है, नेम है, प्रिंसिपल है, डायग्राम है, वर्जन है, ये सब प्री डिफाइन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिस्टम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से खुद ब खुद बनाता है। लेकिन मुझे अपना डेटा ऐड करने के लिए मुझे एक टेबल की जरूरत तो पड़ेगी, तो हम टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पे लिखेंगे टेबल, तो यहां पे आ गया। अब जिसमें सबसे उस अब आप बारी आती है डेटाबेस स्ट्रक्चर को पढ़ने की। जब भी आप कोई डेटाबेस डिजाइन करें तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने, कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो कहाँ पे किस कॉलम में कौन सा डेटा डिजाइन करना होगा पहले बनाना होगा आपको, समझ गए। क्योंकि डेटाबेस टेबल बनने के बाद उसके अंदर कोई एडिशन करना बहुत लंबी प्रक्रिया है और काफी दिक्कत होती है। तो मैं आपको बोलूंगा कि पहले आप जितना हो सके इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश करें, उसके बाद उस पर डेटाबेस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब मैं यहाँ, अब इसमें कुछ रिजर्व भी है, जैसे कि नेम, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, तो मैं ना आपको नेम डालने से मना करूं, अब नेम के जगह पे सी अंडरस्कोर नेम डाल दो, नेम रिजर्व वर्ड है, आगे चल के आपको दिक्कत होगा। अब यहां पे आता है करेक्टर, कि यहां पे इसके अंदर क्या एंट्री होने वाला है वो डिफाइन करें, ठीक है। तो ये आपके डेटा टाइप है, अब चलिए डेटा टाइप को समझते हैं। इसमें बिगिन है, बाइनरी है, बिट है, कैर कैर 10 आ कर दिए, मतलब कि करेक्टर 10 डिजिट का, डेट डेट एंट्री होगा, डेट एंड टाइम, डेट और टाइम दोनों एंटर होगा, डेट एंड टाइम 2 7 7 लेटर का अलग होगा, डेट एंड टाइम ऑफसेट 7, डेट एंड टाइम भी यहाँ पे डेसिमल्स 18 डिजिट तक का डेसिमल, मतलब नंबर होगा डेसिमल्स में, फ्लॉट डिफॉल्ट जो है डेसिमल्स होता है, फ्लॉट इधर डेसिमल्स पार्ट होता है, डेसिमल्स एंट्री होती है, मतलब बुक भेजा उसमें डेटा टाइप पर समझा रखा है, आप देख सकते हो उसमें, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तीसरे वैसे यहाँ पे जो है इमेजेज है बहुत सारे, मनी मतलब कोई डॉलर वगैरह का सिंबल के साथ करना चाहते हो वो है, एन कैर नंबर कैर 10, ठीक है, एन बी कैर, ये बहुत सारी चीज यहाँ पे देख रहे हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पे कैर डाल, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे डेटा टाइप है जो कि जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें जो नेम डालना है तो करेक्टर डालना है क्या सर? हाँ जी कर तो हम यहाँ पे नंबर एंड करेक्टर डाल के कर दिया कि नंबर और करेक्टर दोनों एंट्री होगा। अब यहाँ पे 10 डिजिट है, अब यहाँ पे लेकिन लेंथ जो है इसका 10 डिजिट तक डाल सकते हैं, तो लेंथ यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं, 255 कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एन 255 आ गया। ऐसे यहाँ पे एक कैर है, कैर 10, यहाँ पे कैर 10 में यहाँ डाल दीजिए 255, तो करेक्टर आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कि सिटी है, सेम CHR कैर 10। अब यहाँ पे 10 के जगह पे हम यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मोबाइल, मोबाइल को एन कैर 10 है, ठीक है, 10 डिजिट ही होगा इसलिए। और यहाँ पे अमाउंट, अब अमाउंट में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल डालते हैं, ठीक है, और ये बात करते हैं अलाउ नल्स। मतलब नल मतलब क्या होता है, मन में पता है हाँ नल जी मतलब? हाँ, जो जैसे कोई वैल्यू ब्लैंक है तो वो नल बन जाती है अगर ब्लैंक है कोई सेल। जैसे कि आप कोई वैल्यू को नल नहीं चाहते हो, उसमें डेटा एंट्री होना ही चाहिए, तो आप उसको अनटिक कर सकते हो। तो ये प्रोसेस वैलिडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैलिडेशन। वैलिडेशन, ठीक है। अब मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं, तो यहां यहीं से कर सकता हूं क्लोज, एंड यस कर दीजिए। अब यहां पर टेबल नेम जो है जो मर्जी डाल सकते हो आप, इसमें क्या यहां पर देखिए यहां पर आ जाएगा, नहीं आया तो एक बार रिफ्रेश कीजिए, थोड़ा टाइम लगता है टेबल को यहां रिसेट करने में। अगर नहीं हुआ रिफ्लेक्ट तो एक बार यहां से डिस्कनेक्ट करें और फिर कनेक्ट करें, तब आपको यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। यहां आ गया टेबल वन। अब मुझे इसमें डेटा इंट्री करना है, डेटा इंट्री करना है, तो राइट क्लिक कीजिए और यहां पे देखिए एडिट टॉप 200 क्लिक कीजिए। अब यहां पे एक एक करके जैसे एक्सेल में इंट्री करते हैं ना, उस तरह से इसमें इंट्री कर सकते हैं। पूजा सिटी दिल्ली मोबाइल अमाउंट, अब जब आपने गौर किया तो हम एंट्री कर रहे थे यहां पे एक रेड कलर का मार्क था। पहले पहले था। हाँ हाँ, ऐसा होता है क्या है, जैसे कि मैंने यहां मान लीजिए कि यहां पे एक एंट्री किया उदय, तो इसका मतलब क्या पता आपको कि ए हाँ यहां पे देखिए लिखा हुआ दिस सेल हैज बीन चेंज, द हाँ जी चेंज हैज बीन कमिटेड, यहां देखिए कमिटेड डेटा बेस ओरिजिनल डेटा नल, नल से जो है दूसरा डेटा हुआ है। जैसे ही आप इसकी एंट्री कंप्लीट करते हैं, जैसे कि मैंने दिया नोएडा, जैसे ही आपका एंट्री कंप्लीट करते हैं वो आपकी हट जाती है। तो इससे मतलब यहां पे देखिए दिख रहा है ना आपको, मतलब कि इसकी एंट्री हटने का पर्पस क्या है कि ये कॉलम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए समझ गए। और यहाँ पे कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता है, लिखना ही पड़ता है जब टेबल बनता है। लिखना ही पड़ता है, कॉपी पेस्ट नहीं पर करके देखता हूं मैं एक्सेस में तो कर लिया था, इसमें मुझे याद नहीं है, मैं करके ट्राई करता हूं।
पूजा 880257 जहाँ तक मेरा थ्योरी कहता है कि नहीं होता है, लेकिन एक्सेस में हो जाता है, तो एक्सेस का तरीका मैं यहाँ अपना के देखता हूँ। मैंने पूरा सिलेक्ट किया और देन पेस्ट कर, नहीं नहीं हुआ पेस्ट, नहीं है पेस्ट यहाँ पे एक्सेस। सिर्फ एंट्री। हाँ हाँ, अगर मुझे लगता है कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करना है तो हो जाएगा, लेकिन हाँ लेकिन कॉपी पेस्ट आपका एक्सेल से ही होगा, बाहर के डेटा को कॉपी करके आप पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक। ठीक है ना? नहीं, तो अभी जैसे आप बाहर गलती कर दी है, बाहर का डेटा ही पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अब एक सिंगल सेल रखोगे पेस्ट करोगे तो नहीं होगा, देखा गलत हो गया, ठीक वो, हाँ है ना? आपको क्या तो करना आपने कुछ होगा कि पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर पेस्ट आपका पेस्ट होगा, समझ गए? हाँ और जैसे आपने जो एक्सेल शीट बनाई है, अगर हम उसी को डेटाबेस में लेके आना चाहते हैं तो ऐसा कोई है कि? इसके लिए क्यूरी वगैरह होता है, बोर्ड रूल्स होते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा आपको अच्छा ऐसा कॉपी अच्छा करके अच्छा भी डाल सकते हो, बस इसमें ठीक है। एक नियम का पालन आप करिएगा। क्या? हाँ जी, कि इसमें आपका जो डेटा का टाइप है वही होना चाहिए, डेटा का टाइप ठीक होना है। चाहिए। ऐसा होगा तो फिर एंट्री नहीं लेगा, और लेगा भी तो आगे चल के दिक्कत होगी, तो फिर हाँ अपने जी, इसको क्योंकि सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसको समझ में नहीं है ना कि क्या डाल करना है अंदर में, क्या कौन सा डालना है। अब बात करते हैं टेबल को, ये तो हमने एडिट करना एंट्री करना सिखाया। दूसरा होता है कि टेबल को देखना है कि डेटा कौन कौन है, क्या करोगे, तो राइट क्लिक कि यहाँ पे सिलेक्ट 100 रो यहाँ पे दिखेगा, ये डेटा आपका यहाँ दिख गया, और यहाँ पे क्यूरी दिख रहा है, ऑटोमेटिक इसने क्यूरी राइट कर दी। और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो क्यूरी, उसके हिसाब से चेंज होगा, यहाँ क्यूरी और यहाँ पे आपका रिजल्ट। एरर हुआ तो यहाँ पे एरर है जो भी है वो चीज आपको दिखेगा, ठीक है? जैसे ये टेबल तो बहुत छोटा था ना, जैसे अपन एक्चुअल डेटाबेस देखते हैं तो उसमें बहुत बहुत बड़े आप बड़े इसके टेबल होते हैं। अकॉर्डिंग जैसे चलने पड़ेंगे ना, जैसे कि ये जो हुआ है टॉप 100 को सिलेक्ट किया, टॉप 1000 को सिलेक्ट किया। हाँ जी, तो जैसे ये सी नेम है, सिटी है, मोबाइल नंबर है, अमाउंट है, तो जैसे ये इसको जैसे ऊपर इसने सिलेक्ट तो कर दिए सिटी, मोबाइल, अमाउंट, कौन कौन से अपने। इसमें जो भी नहीं है, इसमें हम इस क्यूरी जब राइट करेंगे तो ऐसे थोड़ी राइट करेंगे, हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे स्टार, ठीक है? ऑल फिर एक क्यूरी जो जैसे मैं जो क्यूरी में पढ़ाऊंगा ना आपको, जिसमें समझाऊंगा हाँ आपको, जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? सिस्टम, अब सिस्टम तो खुद बखुद होगा तो आएगा ही आएगा, अब तो क्यूरी राइट करने की जरूरत ठीक भी है, नहीं है, ठीक है? अच्छा अब जी। यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए कि यहाँ पे रिजल्ट टू टेक्स्ट क्लिक करेंगे, और यहाँ आता है रिजल्ट टू ग्रिड, हाँ ओके ना? ये दिक्कत है कुछ में, मतलब ये उसमें से हो जाता है। क्या होता क्या है यहां से? ये अगर टेक्स्ट करोगे तो नोट पैड की फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर देगा, अच्छा इसको जी, करेंगे तो एक्सेल के फाइल में, और इसको करेंगे तो इसकी जो नोट फाइल होती है उसमें कर देता है। इसमें कोई दिक्कत है हम बताएंगे आपको, ठीक है? अब इसको एक बार जो है अपने हिसाब से जो है ऑब्जॉर्व कीजिए, ठीक है? इसके ऑप्शंस को
क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो फाइल मेन्यू को देखें इसमें क्या है, कनेक्ट हो गया, न्यू न्यू डेटा प्रोजेक्ट को खोलना है, न्यू डेटा प्रोजेक्ट खोलना है, ओपन, ठीक है ना, कोई और फाइल वगैरह ओपन करना है तो वो हो गया, ऐड न्यू प्रोजेक्ट को ऐड करना है, इंजन क्लोज करना है, ठीक है, कुछ सॉल्यूशन खुला हुआ है उसको क्लोज करना है, एसक्यूएल के जो है उसको सेव करना है, एसक्यूएल क्यूरी जो है क्यूरी को सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, ठीक है, सेव एज एडवांस ऑप्शन वगैरह है, पेज सेटअप वगैरह है, प्रिंट वगैरह है, उससे से एडिट में आएंगे आपको तो एडिट कैसी चीजें हैं, इसको ये सारे मेन्यू बार को आप अपने हिसाब से एक बार ये कर दें, एक्सक्यूट हो गया, प्रेस हो गया, डिजाइन क्यूरी इंक्लूड रीसेट क्लाइंट, इधर क्यूरी के पार्ट है, प्रोजेक्ट्स है, डिबग ऑप्शन है, टूल्स में ये रहा ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेटिंग, यहां से आप इंपोर्ट कर सकते हो, जब बोला ना आपने फाइल को कि कहीं से इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ऑप्शन होता है, सारा चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। विंडो ठीक है, हाँ जी तो एक बार आप दो इसमें आप दो चीज करें, पहले तो आप अपने सिस्टम में डेटाबेस बनाएं, अब उस डेटाबेस में 10 से 20 टेबल्स, पहले टेबल्स को आप नोट पैड में ड्रॉ करें, कोई भी एक डेटा एंट्री करनी है आपको तो उस डेटा में क्या क्या फील्ड होना चाहिए और किस फील्ड में किस तरह का डेटा होना चाहिए, पहले उसको नोट पैड पे कॉलम वाइज डिफाइन करे, फिर उस डेटा की फील्ड बनाए, उसके बाद कुछ सैंपल डेटा को डाले, ठीक है, उससे फायदा क्या होगा आपको कि आपको दिक्कत नहीं होगा फिर, ठीक है सर, ये फायदा रहेगा आपको। तो एक बार जो है आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिए। ठीक है? तो इसका फायदा क्या होगा आपका? कि आपको इसके बारे में ओवरव्यू हो जाएगा, तो ओवरव्यू होने से फायदा आपको ये हुआ कि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा अच्छा इसका एक कमांड होता है, इसका एक चीज होता है, तो आपको बेनिफिट होगा। जैसे हम लोग यूज तो कर रहे हैं अभी अभी के लिए, जैसे दो तीन चीजें होती हैं जहाँ पे हमको क्यूरी हमारे पास बनाई हुई है, किसी ने हमको दी हुई है, उसको जाकर रन करना है और फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना है कि यहाँ पे ऐसा तो हाँ तो वो तो आप मिनिमम यूज हो रहे हैं। उसके बना क्यूरी, जैसे भी क्यूरी में राइट किया उसको सेव किया, सेव करके आपने दे दिया, आपने उसको इंपोर्ट कर लिया हुआ है, हाँ जी हाँ जी, बस लेकिन वही वो तो हो रहा है अलग है कि कि आप जब सीखोगे तो पूरा हर एक चीज सीखोगे ना आप, हाँ जी हाँ जी इन फ्यूचर में आपको खुद से डेटाबेस बनाना हुआ या किसी फाइल को डेटाबेस से कनेक्ट करना हुआ, बहुत सारी चीजें होगी इसमें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकोगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो कहा क्यूरीज हम राइट करें, क्यूरीज हम कोड करेंगे तो हमें देखना होगा ना, देखिए दो चीजें होती है, जैसे कि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे मान कुछ इंपोर्ट करना चाहते हैं तो किसके लिए कौन सा डेटा का हमारे पास बने बनाए क्यूरी है, जैसे मान लीजिए आपको अपने डेटा में से टॉप 1000 लेना है या टॉप 100 लेना है, तो इसलिए कोडिंग क्यूरी लिखने की जरूरत क्या, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है ही, ठीक है, तो ये डेटाबेस में जितने भी कॉलम होंगे, जो जैसे टॉप 1000 है या टॉप 200 है जो दिखा रहा है, तो ये अगर डेटाबेस में एक डेटाबेस में एक टेबल में 50 कॉलम होंगे तो ये सभी को निकाल के दे देगा। स्टार लगाने में तो सभी को दे देगा, हाँ,
तो जैसे राइट क्लिक करके भी जैसे सिलेक्ट टॉप 1000 में भी ऐसे ही करेगा ना, स्टार का ही काम कर रहा है वो एक्चुअली। ठीक है। हाँ जी ठीक है सर, तो आप जो है इसको कीजिए, ठीक है जी। वो एक बार ओवरव्यू कीजिए, आप फीचर्स को जैसे एक-एक मिनी मार्क को देखिए, उसको अप्लाई करके देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर हम आगे बताएंगे। ठीक एक क्या होता है, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, ठीक है ना। क्या होता है कि हर चीज में आपको नई चीज होगी, आपको आंखों के सामने होगी, तो पहले तो आप सोचिए यार क्या आ गया है, ठीक है। हाँ लेकिन वो चीज को पहले से आपको पता है, फिर आपके सामने आ रही है, तो सब लोग अच्छा ये है, तो अलग सही होता बात है, है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। तो सैटरडे एंड संडे मैंने टाइमिंग कंफर्म कर दी आपकी, 6 से 7:30, 7:30, 8, और टिपेंड करेगा।